हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी से एक मिठाई। इसको मैं बर्फ़ी बोलूँगी, मैं इसको बर्फ़ी के हिसाब से बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल की बर्फ़ी, और ये बनाना बहुत ईजी है और ठंडियों में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ऐसे भी मकर संक्रांति आ रही है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मिठाई है। घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस को मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। गरम करके मैंने धीमी आंच पे रखा हुआ है। अब इसमें हम इस टाइम पे क्या करेंगे, जो हमारे जो तिल है इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जैसे इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। इसको हमें जलाना नहीं है ना ही ब्राउन करना है, एक अच्छे से खुशबू आ जाए। और जो तिल हमने लिया है, टोटल 1.5 कप तिल है ये, और जो जो जितनी क्वांटिटी में डालूंगी आपको उसी हिसाब से क्वांटिटी हिसाब से बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये मज़ेदार बर्फी बनके तैयार होगी और बहुत ही इजी से बन जाएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको भी ऐसे ऐसे करना है। अब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसी टाइम इसको निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब इसको निकाल कर थोड़ा ठंडा करते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्सी में एक फाइन पाउडर बना लेंगे। हमने वापस से वही कढ़ाई ले लिया है, हमने तिल को पीस लिया है इस तरह से। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, एकदम थोड़ा सा दरदरा भी रखना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा है ये पाउडर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम कढ़ाई में, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। ये टोटल 2 चम्मच घी है, ठंडी का मौसम है, मेल्ट नहीं होता है घी, तो इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी हमने डाल लिया, अच्छे से मेल्ट हो गया है। और जो हमने ये अच्छे से तिल को जो हमने पाउडर बना के रखे हैं ये डाल देते हैं। अब इसको मीडियम आंच में अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा आंच को तेज नहीं करेंगे, मीडियम आंच में ही इसको अच्छे से भून लेंगे। ऐसा भूनना कि ये पूरा जो घी है इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 1 से 1.5 मिनट लगता है। ये अच्छे से हमने मिला लिया है और पूरा इसमें जो है घी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब गैस को हम ऑफ करेंगे। अब हम बर्फी बना रहे हैं तो इसमें स्वाद भी बहुत ही मस्त आना चाहिए, टेस्ट अच्छी आनी चाहिए और खाते ही मुंह में घुलना चाहिए। इस तरह से बर्फी बनानी है। और स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट और बढ़िया हो जाता है और खाने में बड़ा मस्त लगता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये अभी गरम गरम है तो इसमें अच्छे से मिल जाएगा। गैस को हमने ऑफ ही रखा है। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम रखते हैं साइड। अब हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पतीला ले लिया है, आप चाहे कढ़ाई या फिर पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो जितना हमने तिल यूज़ किया है उतना ही हम चीनी यूज़ करेंगे। ये 1.5 कप चीनी है। अब उतना ही पानी डालेंगे, 1 कप। सारे मेरे इसी कप के मेजरमेंट से है, आप चाहे तो चाय के कप भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप हो गए पानी। अब गैस को हम ऑन कर देते हैं। चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी हमें ऐसा नहीं बनाना कि 2 तार 3 तार, ऐसा नहीं बनाना है, जस्ट एक चिपचिपा सा पन होना चाहिए, बस उसी तरह से बनाना है। जब तक ये मेल्ट होता है हम अपना प्लेट सेट कर लेते हैं जिसमें हमें बर्फी सेट करनी है। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। इसको आप हमें थोड़ा और उबालना है, 5-6 मिनट तक उबालना है। और हमने इस तरह के थाली या फिर प्लेट, आपके पास कोई भी गहरा चीज़ हो आप उसमें इस तरह से घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि हमारा बर्फी इसमें अच्छे से सेट हो जाए। हमारी चाशनी बनके तैयार है। इतना ही हमें बनाना है। कैसे पता चलेगा आपको, थोड़ा सा ले लेंगे ऐसे हाथ में और इसको देखेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे हाथ में ले लेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए, पर ये तार बन रहा है पर बन नहीं रहा है, तो इतना ही हमें चिपचिपा चाहिए।
ये परफेक्ट है। अब हम इसको उतारते हैं। हमने वापस से कढ़ाई को बैठा लिया है। अब इसको थोड़ा से हमने गरम कर लिया है हल्का सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी तैयार किया है उसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालना है, और इसको मिलाएंगे। और आंच को हम स्लो ही रखेंगे, एक साथ ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब इसको लो फ्लेम में हम पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से जमा ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। ऐसे इसको घुमा घुमा के इसको चलाते रहेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखेंगे, और ये धीरे 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 बंधना शुरू हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे बंधना शुरू हो रहा है। यह हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा एक कटोरा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा डाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा हो जाएगा, ऐसे करेंगे और हाथ में ऐसे करके उठा लेंगे। ये देखिए, अगर ऐसा जमा हो रहा हो तो आपको लगेगा कि ये तैयार है, कितना अच्छा से ये बंध गया है। ये देखिए, अब इसको और थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब इसी टाइम हम इसमें गर्मा गर्म थाली में डाल देंगे। ऐसे एक कटोरा ले लेंगे या फिर पैचुला आपके पास है तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या करेंगे, इसे घी लगा लेंगे और इसको सेट करेंगे। हम इसे फैला देंगे, ज़्यादा मोटा या पतला जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसको हम रूम के टेम्परेचर में ही हम इसको रखेंगे, 10 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट के पहले से हम कट लगा लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है काटने का हम इस तरह काट के रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको काट के सेट भी कर लिया है। ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज अब ठंडी का मौसम है तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और ये मैंने अपनी बर्फी के स्टाइल से मैंने सेप दिया है, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये देखिए, और इसका जो टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और बहुत ही मस्त लग रहा है। और खाने में टेस्टी तो है ही, टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बना है। देखिए बना, एकदम परफेक्ट बना है और कितना बढ़िया लग रहा है, और इतना सॉफ्ट भी है, जैसे खाओगे मुंह में घुल जाएगा। और आप भी किस बात की देरी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। और मकर संक्रांति आ रही है तो मैंने ये मकर संक्रांति के ऊपर ही बनाया है। और तिल का तो लड्डू हो, तिल का बर्फ़ी हो, तिल का मिल्क केक भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनता है, पर मैंने बर्फ़ी बनाई है। तो देरी ना कीजिए, बनाइए। तो मेरे वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। बना के पहले टेस्ट कीजिए, फिर मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और कितना बढ़िया है। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।